पाकिस्तानी पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इजराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों वीडियो का अगर आप मेन हिस्सा देखना चाहते हो तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट करें और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी पैनलिस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट कमर चीमा ने बात की है अमेरिकन इलेक्शन के बारे में और अमेरिकन इलेक्शन के बाद जो भारत में अमेरिका का रवैया रहेगा वो कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी अमेरिकन साजिद तरार ने कमर चीमा की बातों का रिप्लाई देते हुए बोला कि भारत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अमेरिका में ट्रंप आए या जॉर्डन आए या माइकल जॉर्डन आए, ये कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला भारत को, ऐसा साजिद तरार ने बोला है। भारत की डिप्लोमेसी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से 50 साल पीछे चल रही है, ऐसा साजिद तरार ने बोला है। साजिद तरार ट्रंप को सपोर्ट करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। बताइएगा कि क्योंकि हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं तो इस हवाले से हमने देखा है कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने बड़ा अपने आप को बेचने की कोशिश की ट्रंप साहब के सामने, और जैसे वो अमेरिका में गए तो उनको बुलाया, फिर यहाँ पे भी गए, लेकिन मैं अगले दिन एक सर्वे देख रहा था, उस सर्वे में यह आया कि 72% से शायद ज्यादा जो इंडियंस हैं वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि कैमला हैरिस को उनकी एक ओरिजिन इंडिया होने की वजह से भी कोई सपोर्ट मिल रही है, ये काइंडली दोनों चीजें जरा इसको डिस्कस कीजिएगा। देखिए उसमें मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेट पार्टी हो, दोनों पार्टीज they have been taken over by Indian diaspora, Indian Americans. और हमें, मैं अल एलान ये कहता हूं और मैं इस पर भी डिबेट कर सकता हूं कि हम पाकिस्तानी पाकिस्तान वॉशिंगटन डीसी में इंडिया से एटलीस्ट 50 साल पीछे है। इस वक्त इंडियन लॉबी जो है वो इसराइल के बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रांगेस्ट लॉबी है वॉशिंगटन डीसी में। ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में ना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी थ्रेट वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी होगी, हमारे लिए यहां पाकिस्तानियों के लिए हमारे बच्चों के लिए थ्रेट होगी। वो क्या है कि इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ इंडियन है और इस वक्त उनके इंडिया ने दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना दिए, उन्होंने अपने बॉबी जिंदल निकी हेली, सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन होने वाली थी एक इंडियन जज की, आप उनका लेवल देखें वर्सेस हमारे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तानियों की, एक कौंसलमैन भी नहीं है वहां पे। तो उसको कहना कि वो 72% डेमोक्रेट वोट कर रहे हैं, वो जिसको भी वोट करेंगे जहां से भी करेंगे दे हैव टेकन ओवर द कंट्री, एक तो ये चीज। और हमारे लोग जो हैं वो अभी तक हर शहर में पीटीआई नून लीग के चार चार ग्रुप बना के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हमारा हम इस जगह पे खड़े हैं। आप यहां पे आप सोच नहीं सकते कि मेरी ये बिल्कुल आप ठीक है, मैं कंपेन का हिस्सा हूं लेकिन मैं पॉलिसी मेकिंग में नहीं हूं, मेरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग पे नहीं है, लेकिन मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी तक ये भी नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि मैं कंपेन का हिस्सा हूं, रोजाना ईमेल है मेरे खिलाफ, रोजाना चीजें मेरे खिलाफ। तो इन चीजों से आप जब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं देखेंगे, आप पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं करेंगे तो आपको बड़े नुकसान होंगे फ्यूचर में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा कि ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी भी इस वक्त जो वो इंडियन लॉबी के हाथ में है। तो उसमें आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, साउथ एशिया में कई चीजें हो रही हैं, आपके इलाके में कई नए ब्लॉक बन रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अभी तक कंफ्यूजन का शिकार है, आपको कोई पता नहीं है कि आप किस ब्लॉक में है, आप टर्की के साथ खड़े होंगे कि आप सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होंगे, चाइना का यू टर्न तो आपने ले लिया, लेकिन वो अगर जाती तौर पर मुझसे पूछें एज नॉट एन अमेरिकन, चाइना और टर्की के साथ ज्यादा पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो किकबैक्स बेस्ड है। मेरा सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए ये होता है कि आपकी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और बिल्डिंगें बना रही है लेकिन आपकी सड़कें चाइना और कोरिया बनाता है, इसका जवाब आज तक मुझे कोई नहीं दे सका, सिवाय किकबैक्स के एस्टेब्लिशमेंट, जो करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है वो किकबैक्स लेके अपने बच्चों को बार बार जायदादें लेके दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आपको सीखना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन अभी तक वो उन चीजों का दूर है। मुझे, मैं बड़ा होपफुल था खान साहब के साथ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट जो है वो 100 के नंबर ले जाने के पास है, 52-53 तो कर चुके हैं वो, लेकिन इस तरह गवर्नमेंटें नहीं चलती। मुझे वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपका आटे का थैला 1500 का हो चुका है, मुझे एक 20,000 बंदे की सैलरी वाले का बजट बना के देखें तो मदीना की रियासत इस तरह होती है।
खान साहब को बनी गाला में नहीं पता कि आटे का थैला 1500 का हो चुका है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, हमें सीरियस होना पड़ेगा, अभी तक हम सीरियस नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा जरा तारण साहब ये बताइएगा कि जो इसमें थोड़ा बैक टू दी विद इन अमेरिका जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, जरा एक ये तो ये बताइएगा कि इनमें पोजीशन जो ऐसे लग रहा है कि बाइडेन साहब बहुत आगे हैं, तो आप क्या समझ, आयवा, मिशिगन, मिनेसोटा, आप नेवाडा और ओहायो, पेंसिल्वेनिया भी आप बल्कि गए हुए थे, मेरी कल आपसे बात हो रही थी, तो आप क्या समझते हैं ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट जिनके बारे में मीडिया भी लिख रहा है और सारा कुछ आ रहा है, ये क्या कोई टर्न मारेंगे, वापस आएंगे, या कि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रहा है कि जी बाइडेन साहब जो है वो ट्रंप साहब से 5-7 पॉइंट हर जगह आगे हैं, 10 पॉइंट भी आगे हैं, तो इसको आप क्या देखते हैं इस हवाले से? 2016 में फ्लोरिडा और ये जो बैटल स्टेट्स जिनकी बात कर रहे हैं 12-12, 14-14 पॉइंट की लीड बताते थे हिलरी क्लिंटन की 2016 में ऑन ग्राउंड। अच्छा पोलस्टर का मैं बताना चाहूंगा आपको, इस तरह करेंगे कि ये करते इस तरह कहेंगे कि 4 पॉइंट आगे है लेकिन 6 पॉइंट ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक थ्रेट है कि मेल इन फ्रॉड और वोटिंग फ्रॉड, ये ना हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाइडेन साहब 50 साल से एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है, अपने प्रोफेशन के लिहाज से वकील है, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया, ना एक सिंगल जॉब क्रिएट की, ना एक सिंगल बिजनेस किया, ना अमरीका को बचा सकेंगे ना दुनिया को बचा सकेंगे, और बच्चे की करप्शन उनकी यहाँ पे मीडिया बिल्कुल नहीं बता रहा, अगले दिन उनके यहां तक के FBI भी इज अवेयर ऑफ इट कि उन्होंने करप्शन में क्या करते रहे, ईमेलें थी लेकिन CNN उसको पकड़ने से इनकार है, बल्कि यहां तक कि फेसबुक और ट्विटर ने पाबंदी लगा दी है कि हंटर बाइडेन की जो ईमेल और तस्वीर आप ना फेसबुक। तो यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना, पाकिस्तानी अमेरिकन ने क्लियरली बता दिया कि भारत की डिप्लोमेसी पाकिस्तान से कितनी आगे है और भारत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अमेरिकन इलेक्शन में, कोई भी जीते चाहे वो ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, आपने क्लियरली सुना। क्योंकि अमेरिका को भी पता है, अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे भी पता है कि अमेरिका को भारत की किस तरीके से ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ एशियन सी में। आपने देखा होगा अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि अमेरिकन रक्षा मंत्री के ऑफिशियल्स यहां पर विज़िट करने वाले हैं, ऐसा आपने सुना होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अमेरिकन इलेक्शन कौन जीतेगा, ट्रंप या जॉय वॉर्डन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और कोई भी जीते आपकी क्या राय है, अगर अमेरिका में कोई ट्रंप के अलावा कोई नया बंदा आता है तो वो भारत के प्रति कैसा रवैया रखेगा। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, ट्रंप को कुछ भी नहीं पता रहता है, कई बार वो ऐसी बातें कर जाते हैं, कई बार उन्होंने ऐसे बयानबाजी कर दी कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मसला चल रहा है उस पे उस मसले को सुलझाने की कोशिश करूँगा, है ना, आपने देखा होगा, ये न्यूज़ भी पढ़ी होगी। लेकिन भारत ने सीधा काउंटर किया कि इस मसले में हम किसी भी तीसरी पार्टी से बात या उसकी सलाह नहीं लेना चाहते हैं, इमिडिएशन किसी भी तीसरी पार्टी की हम नहीं चाहते हैं। भारत ने सीधा, आपको याद होगा जब ट्रंप ने ये बात कही थी तो पाकिस्तान में ढोल बजने लगे थे और पाकिस्तानी सोचने लगे थे कि अब कश्मीर मसला सॉल्व हो गया। जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री के ऑफिशियल ने सीधा जवाब दिया कि अमेरिका हो या कोई भी हो, इसमें कोई भी तीसरा देश नहीं आ सकता, ये द्विपक्षीय मामला है, ये दो देशों के बीच शिमला समझौते के बाद जो द्विपक्षीय मामला बन चुका है उसी के अंतर्गत इसमें बातें होंगी। आपने भारतीय विदेश मंत्री के स्पोक पर्सन की बातें सुनी होंगी। तो दोस्तों वीडियो का होता है अंत, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।